कोरी रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, तेरा तिरंग कोरा है, तेरा तिरंग कोरा है। कोरी रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना कोई। अंचा अंचा आई। ओ लड़की कहाँ पे हो तुम? आ भी चुको। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, ये पैसे पकड़ो, जाओ सब्जी लेके आओ, और देखो साफ सुथरी सब्जी लेके आना। पालक जो थी ना वो मरियल दे दी थी सब्जी वाले ने तुम्हें, खुद देख लिया करो ना आंखों से। ये लो पकड़ो पैसे, और हाँ एक बात मेरी ध्यान से सुनो, ये अपना हुलिया ठीक करके जाओ जरा। मुझे खुद की नुमाइश नहीं करनी। अच्छा तो फिर रिश्ते भी नहीं अच्छे आते ऐसे गलीज लोगों के। नहीं तो तुम क्या चाह रही हो, ये सब्जी वाला ये पंसारी वाला मतलब यही रह गए मेरे लिए? अरे 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 बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। अच्छा बस मुझे बताओ कितना चाहिए, प्याज लाना है टमाटर लाना है क्या लाना है? अरे बता दिया ना, 1 किलो प्याज ले आओ, आधा किलो लहसुन ले आओ और 1 पाव टमाटर ले आना, और क्या तुम्हें बताऊं, हर चीज जो है ना वो लेके आना। अरे बात तो सुनती जाओ। हाँ। हरी मिर्च भी लेके आई हो लड़की? अच्छा अच्छा दूर से अच्छा सुनती नहीं है कोई बात। ये मिर्चें कैसे लगाई? अरे तुम ले लो बाद में कर लेंगे। अच्छा और ये पालक? सिर्फ तुम्हारे लिए 20 रुपए के लिए। अच्छा 1 किलो टमाटर कर दो, और ये धनिया और पुदीना भी कर। ये पुदीना कितने का है भाई? 1 मिनट रुको बाजी, पहले इसको दे दो। हाँ और कितने हो गए इनके? 200 रुपए। हाँ तुम बोलो। वो 1 किलो प्याज, 2 किलो आलू, धनिया पुदीना और कुछ हरी मिर्चें, कितने पैसे हैं? 200 रुपए। अम्मा अम्मा। हाँ भाई ये सब्जी ले लो। चलो बहुत अच्छा किया, वो सब कुछ लेके आई हो ना जैसे मैंने बताया था? सब कुछ ले आई हूँ, चेक कर लेना खुद ही। चेक कर लूंगी, तुम जाके इसको किचन में रख दो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी फुप्पो के यहाँ जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। आप चली जाएं, मुझे नहीं जाना। अरे क्यों नहीं जा रही हो, तुम्हारी फुप्पो नाराज हो जाएंगी। आप जानती है ना कि मैं समझ गई, मैं तुम्हारी तो शान शौकत में फर्क पड़ता है ना। शान शौकत की बात नहीं है अम्मा, मेरा दिल नहीं कर रहा। ना जाओ, मैं तो जा रही हूँ ठीक है, और घर का ख्याल रखना, और मेरी बात सुनना गौर से, ये ना हो इधर मैं निकलूं और उधर तुम पलंग पे चढ़ के आराम से लेट जाओ। सारे बर्तन बर्तन धो लेना और दाल भी भिगो देना, और सुनो दरवाजा बंद कर लेना, समझ गई? सारा काम हो जाना चाहिए। मैं खूबसूरत हूँ क्या? वाकई मैं खूबसूरत हूँ? अगर हूं तो फिर मेरी अब तक शादी क्यों नहीं हुई? बच्चों की हो गई, उसके बाद तो मेरी शादी होनी चाहिए थी, मेरी क्यों नहीं हुई? जरीना तो मुझसे छोटी थी, उसकी उसकी क्यों हो गई? बच्चों जरीना मैं बीच में रह गई। इसका मतलब है कि मैं खूबसूरत नहीं।
सकने से अगर तकदीर बदलती ना तो तुम तो आज महारानी होती। मेरा क्या ये मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने? कैसी लग रही हूँ मैं? दफा हो जा यहाँ से। आज तो तारीफ कर दो जालिम, वसीम से चली जाऊंगी। जहर लग रही हो, जहर लग रही हो तो। चलन में कह रही हूँ तुम ये सब कुछ मैं जानती हूँ। नहीं जलती मैं तुमसे। तो फिर जो दिल में है उसे जबान दे इंशा, वरना इसी तरह एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर जाएगी। मैं तो उस जंगली घास की मानंद हूं जिसको उगने की कोई खुशी नहीं, मुरझा के मर जाने की खुशी। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सच ये है कि मैं तुम्हारी तरह दिखना चाहती हूं, मैं तुम्हारी तरह सजना संवरना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत लगना चाहती हूँ, मगर मगर क्या, मगर मैं तुम जैसी हसीन नहीं हूँ। अंशा तुम मुझसे कहीं ज्यादा हसीन हो, मैं जानती हूँ। मेरा दिल रखने के लिए तुम ये सब कुछ बोल रही हो, मैं सब जानती हूँ। आज तक तुम्हारा किसी ने ख्याल रखा है जो मैं रखूंगी? अब ये देख लो, ये कपड़े देख लो, ये कपड़े भी तुम्हारे हैं। यकीन नहीं आ रहा? जाओ और अपनी अलमारी खोल के देखो। सच ये है अंशा कि तुम सजना सवरना चाहती ही नहीं। किसके लिए, किसके लिए खुद को संवारूं मैं? किसके लिए? अपने लिए। तुम बहुत खूबसूरत। आगे कितनी बड़ी तुम्हारी ना? आगे कितनी बड़ी? पतली थोड़ी है। अरे ये लड़की पता नहीं क्या करती है, दरवाजे सारे खुले। आज फिर इंशा, अरे सुन रही हो, आज फिर पागलपन का दौरा पड़ गया तुझे? अरे क्या हो जाता है तुम्हें? बोल के गई थी ना मैं तुमसे कि बाहर की कुंडी चढ़ा के रखना, अगर नहीं माँ की बात का तो असर होता ही नहीं तुम्हें।
एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी बस। अरे वो बेवकूफ लड़की, दरवाजा खुला देख के कोई भी चोर उचक्का इस घर में आ सकता है, पता भी है इस बात का? चोर उचक्का ढाकू आएगा इस घर में, क्या लेने के लिए आएगा यहाँ पे? इस घर में है क्या तो लेके जाता? जो कुछ लेके जाना था ना वो चोर चक्के डाकू लेके जा चुके, मैं उनकी किसी काम की नहीं हूं। अरे शर्म नहीं आती तुझे? क्या बोले जा रही है आलफोल? वाकई में तू पागल हो गई है? अरे अपने बहन भाइयों को कह रही हो इस तरह की बातें? अकल करो। कौन है यहां? कोई नहीं है। अरे वहम है तेरे दिमाग का ये सब? एक खुदगर्ज इंसान के लिए अपनी जिंदगी खराब की हुई है, अपना नहीं तो कम अज कम मेरा ही ख्याल कर ले। अरे बाहू तेरी मैं तुझे तड़पता हुआ नहीं देख सकती, ये देखिए देखिए क्या तूने अपना हाल बनाया है बेटा। कोई नहीं आएगा, वहम है तेरा, वहम तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तू मुझे मारना चाहती है। ऐसा नहीं है अम्मी, मैं सॉरी 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 बेटा, सॉरी की बात नहीं है, जान है तू मेरी, मैं हूँ तेरे पाप, मुझे बोल सॉरी नहीं, मारो है मेरी, मानो है तू मेरी बच्ची। क्या? अरे नहीं 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 रबीला, भला मुझे क्यों एतराज होगा? तुम सच कह रही हो क्या? अरे नहीं भाई, शहरयार तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, मेरे हाथों में तो बड़ा हुआ है। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज। एंचा बड़े अच्छे टाइम पे भाग के इधर आ जा, क्या हुआ? अरे यहाँ तो बैठ, मैं कहती थी ना तुझे कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है। हाँ लेकिन हुआ क्या? अरे नबीला का फोन आया था। नबीला पप्पो? हाँ तो वो शहरयार के लिए तेरा हाथ मांग रही है। शहरयार भाई मेरे लिए? देखा देखा देखा, यकीन नहीं आ रहा ना, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा बच्चा अल्लाह ने कैसी सुन ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, आप तो एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा, मैं भी जाके तेरे कपड़ों की तैयारी करती हूँ। खूबसूरत हूँ? मैं खूबसूरत हूँ? मैं खूबसूरत हूँ? सॉरी, मुंह दिखाई के बाद
अंगूठी पहनाते हैं। I'm sorry. नसीब कि मेरी मोहब्बत मेरी चाहत आज बिल्कुल मेरे सामने मेरे दिल के करीब। अंशा मेरे दिल की एक आरजू थी जिसे बताने में मैंने बहुत देर कर दी। जिस तरह से तुम खूबसूरत उसी तरह से तुम्हारा नाम भी खूबसूरत। क्या आप मुझे इतना पसंद करते हैं? पसंद बहुत हकीर वर्ड है। तनासा बल्कि तनासा मैं तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं इतनी सारी। तो पहले बताया क्यों नहीं आपने? सॉरी शर्मिंदा हूं इसमें हमेशा देर कर देता हूं। देर नहीं हुई। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो खुश रहो। अरे देखो नाश्ता बन चुका है और मैंने टेबल भी लगा दिया। पप्पू I'm sorry, वो थोड़ी देर से आंख खुली। इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है हा? और काहे की माजरत भाई? पहला दिन है नई नवेली दुल्हन का, इतना तो हक बनता है ना? जी लेकिन फिर भी ये बताओ कि मेरे साथ बैठ के नाश्ता करोगी या कि फिर अपने मियाँ साहब के साथ करोगी? साथ मिलके नाश्ता करेंगे। लेकिन आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं कर देती ना। अब ये बताओ कि नई नवेली दुल्हन से पहले दिन कौन बनवाता है नाश्ता? हाँ और वैसे भी बेटा कल से सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, तुमने ही देखना है सब कुछ। अब जल्दी से जाओ, जाके अपने मियाँ साहब को उठाओ, मैं बाकी की चीजें लगाती हूँ। चलो शाबाश। बस मैंने कहा ना, चलो चलो। अंशा जी 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 आ गए। मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगा, तुम तैयार रहना और प्लीज कल वाली हरकत मत करना। वो मैं कह रही थी कि बाहर जाना जरूरी है क्या? शेर यार सब बहुत अजीब तरीके से देखते हैं, घर में कुछ मंगाते हैं ना। कम ऑन, कह दिया ना बाहर खाना तो मतलब बाहर ही खाना, और वापसी में मानी के घर भी चलना। तैयार रहना ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज। अरे बेटा जा रहे हो? जी अम्मी, आपको कुछ मंगवाना तो नहीं था बाहर से? नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए। शायद मैं अपना वॉलेट अंशा शायद मैं अपना वॉलेट भूल गया हूँ। अंशा जी मेरा वॉलेट जेब चेक करें। हाँ जेब में ही है। वैसे आज से पहले तुम कभी कुछ नहीं भूले। हाँ जो बोलना चाहते हो ना बोल दो, मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ। हाँ चलो शाबाश, बोल दो ना, बोलो बोलो चलो। बाय। देखो बेटा शोहरों को काबू में रखना पड़ता है वरना उनकी नजरें ना
इधर उधर घूमने पड़ रहे थे। मुझे ना वैसे शहरयार ऐसे लगते नहीं। अरे मेरी जान, ये सब मर्द शुरू शुरू में हाजी बने फिरते हैं, कब शैतान बन जाए पता ही नहीं चलता। और वैसे भी तुम्हें तो खास एहतियात करनी चाहिए। मुझे क्यों? ये आलू भी काट देना। अरे कैसी सब्जी लेकर आए? किसी ने कुछ कहा है तो? नहीं तो क्यों? वैसे कुछ दिनों से नोट कर रहा हूं कि तुम ना ठीक से बात कर रही हो ना पहले की तरह हंस रही है। कुछ है तो मुझे बताओ ना। आपका वहम है बस। अगर हमारी शादी को कुछ टाइम गुजर चुका होता तो तुम्हारी बात ठीक थी, लेकिन मेरी बात अब भी बिल्कुल ठीक है। आप सिर्फ ये बताएं, चाय कैसे बनाएंगे? चाय तो बहुत अच्छी। आई नो। बैठ। सिलेंडर बैठकर चाय पी। कल ऑफिस में साथ लंच करेंगे। ओके, डन। सुने, एक बात कहूं? बोलो। बुरा तो नहीं मानेंगे? बोल भी दो। मैं सोच रही थी कि अम्मी के पास तो गई नहीं हूँ कितने दिनों से, तो आप जब ऑफिस जाएंगे मुझे आप वहां ड्रॉप कर देंगे? अच्छा, तो तुम अम्मी की तरफ जाओगी? तुम वहां जाओगी तो बर्तन कौन मांजेगा, झाड़ू कौन लगाएगा, हजारों काम, सोचा है तुमने? मैं समझी नहीं। समझने के लिए अकल की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। सुनो, अगर शक्ल भंगने वाली हो ना, होलिया तो ठीक रख सकती हो अपना। कमजोरती का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि मासियों की तरह ये अपना होलिया बना के रखो। और लिसन, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, तुम चली जाना किसी रक्षा टैक्सी में। तुम्हें ले जाते हुए ना मुझे शर्म आती है। और हाँ, तुम्हें याद है ना जब हम साथ गए थे लोग किस तरह से घूर रहे थे, ये तुमने खुद भी नोट किया था। अब नीचे घर जाना है। शादी के शुरू में तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें अंशा अच्छी लगने लगी है, और अब तुम्हें उसमें इतनी बुराइयां, इतनी खामियां दिखाई देने लगी है
क्या हो गया, क्या चाहते हो तुम? अम्मी वो अच्छा मेरे टाइप की नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म क्यों आनी चाहिए? ऐसा मैंने क्या कह दिया आपसे? क्या कह दिया? तुम्हें पता भी है कि तुम कह क्या रहे हो? अरे भाभी को क्या जवाब दूंगी मैं? अम्मी आपकी बात मानकर जल्दबाजी में मैंने ये शादी की है, आप अच्छी तरह से जानती हैं ये। देखो ये जो फजूल बातें तुम कर रहे हो ना, ये प्लीज बंद करो और मुझे सच सच बताओ, किसी और लड़की का चक्कर है ना? हाँ, किसी और को पसंद करने लगे हो तुम? शहरयार मैं पूछ रही हूं तुमसे, मुझे जवाब दो। हाँ मैं किसी और को चाहता हूं और मैं उसी से शादी करूंगा। क्या? और अंशा? अम्मी अंशा से मैंने आपकी जिद में शादी की है। आप ही ने तो कहा था कि वो मानी उसको लेकर पता नहीं परेशान हो रही है और उसको डिप्रेशन हो रहा है, तो मुझे लगा कि उससे कोई शादी नहीं कर रहा, मैं तरस खा के उससे शादी की। लेकिन अम्मी मुझे लगता है कि सीरत के साथ साथ सूरत का होना बहुत जरूरी है कि वो आपके साथ चले तो कम से कम। बस एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हारे मुंह से इसके बारे में। चुप कर जाओ, कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। शहरयार अच्छा हुआ तुम्हें हकीकत का पता चल गया, ये रोज रोज का ड्रामा मुझसे हो भी नहीं पा रहा था। तरस खाकर मुझसे शादी की और मैं इस तरस को मोहब्बत समझ बैठी। क्या करती, यकीन भी तो करना था ना आप पे। कौन करता तुमसे शादी बताओ, कौन करता तुमसे शादी? इतनी हकीर नहीं हूं मैं शहरयार जितना तुम मुझे समझते हो। ये सब कुछ जो मैं करती थी ना उसकी वजह मोहब्बत थी जो मुझे तुमसे थी, इसे तुम मेरी कमजोरी और भीख समझ बैठे। तुम क्या, मैं तो तुम्हारे रहम को मोहब्बत समझ बैठी थी। मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी, मैं एक सेकंड भी यहां नहीं रह सकती। मैं जा अगर मैं ऐसी हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? और अगर आप ऐसे हैं तो इसमें आपका क्या कमाल है? क्या आपने खुद को बनाया है? ये जिंदगी कहाँ
इस्मा उठो, मुझे ऑफिस जाना। इस्मा। ओफ़ो, क्या है भाई, सोने दो मुझे। अरे इस्मा बेटा, प्लीज मुझे एक कप चाय बना दोगी? क्या आप मुझे क्यों कह रही हैं? खुद जाकर बना लेना, या फिर खुद बनाएंगी तो हाथ टूट जाएंगे आपके। अरे बहू, आराम से, मैं वो भंगन नहीं हूं जिससे पूरे घर का काम करवाती थी आप, समझी? इस्मा, ये किस बदतमीजी से तुम बात कर रही हो उनसे? आवाज नीचे रख के बात करो मुझसे। खामोश! उठाओ हाथ, मारो मुझे, रुक क्यों गए? अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मुझे भी आप जैसे फजूल लोगों में रहने का कोई शौक नहीं है। जा रही हूं मैं यहां से। शहरयार, बेटा उसे वापस ले आओ। नहीं आ रही, उससे मना कर दूं। मगर क्यों? कहती है कि आप लोगों को छोड़ दे। जब मैंने मना किया तो तलाक मांग रही है। मैं बिस्मा की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं अंशा की बात कर रही हूँ। अच्छा, के साथ मैंने ठीक नहीं किया, और किस मुंह से जाऊंगा उसके पास? देखो बेटा, वो बिस्मा नहीं है, वो अंशा है, और उसका जर्फ बहुत बड़ा है। अम्मी, पहले मैं समझता था कि सीरत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अंशा से शादी की, और फिर जब लगा कि सूरत भी जरूरी है तो मैंने बिस्मा से शादी की। और क्या नतीजा निकला? अम्मी, नतीजों के लिए शादी नहीं की थी, पता नहीं, जो खुद समझ नहीं आ रही मुझे क्या हुआ। जो तुम्हारा दिल कहता है ना बेटा, वही करो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है और तुमने ही गुजारनी है। शुक्रिया। सुनो, तुमने नाश्ता किया? हाँ, नाश्ता कर लिया है, किचन में कर लिया था मैंने। ये लड़की बिना बस कभी नहीं माने। जिंदगी के कितने कीमती साल एक फजूल सोच के सहारे गुजारती है। खूबसूरती बदसूरती कुछ नहीं होती, क्योंकि हर किसी को अल्लाह ने बनाया है और बहुत खूब बनाया है। बस अगर कमी है तो वो है एतमाद की। एतमाद ही इंसान को खूबसूरत और बदसूरत बनाता है। ये खूबसूरती बदसूरती होती भी क्या है? असली चीज है हुनर। इंसान को असल में टैलेंटेड होना चाहिए बस, और ये बात मेरी समझ में आ गई है। Thank you.
I'm sorry. देर कर दी तुमने आने में। हमेशा कर दे तुम, न जाने क्यों। ऑप्शंस बहुत है ना तुम्हारे पास। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बहुत खुश हूं। मुझे इस दुनिया में खुश रहने दे और जाओ अपनी दुनिया में, तुम खुश रहो। अभी तो आया हूं अपनी दुनिया में। शेरियार प्लीज यहां से चले जाओ। प्लीज तरस तरस खा कर ही सही, भीख में मेरी मोहब्बत मुझे लौटा दो। बहुत थक गया हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जान गया तुम्हारी हकीकत तुम्हारे जाने के बाद। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? शायद मोहब्बत से वाकिफ नहीं था, लेकिन अब हो गया हूं। दिल से कह रहा हूं मैं, तरस खा रहे हो ना तुम मुझ पे? नहीं, मैं दिल से कह रहा हूं। तुम फिर मुझे छोड़कर चले जाओगे? कभी भी नहीं। और अगर चले गए तो? जान से नमाज। नहीं, ऐसे नहीं कहते। अपने घर चले। I love you.